subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा तालिबात, सरअब्दुल सत्तार खान यूट्यूब चैनल मध्ये आपले स्वागत। मराठी राइटिंग स्किल 8, 9, 10 मराठी उपयोजित लेखन, आज जाहिरात लेखन करेंगे। पहले हम देखेंगे कि जाहिरात में के जो रूल्स है, उसूल और जवाबित है, वो कौन से है, किस तरीके से जाहिरात तैयार करना है, फिर उसका एक सवाल भी हल करेंगे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। कृतिपत्रिकेतील प्रश्न चौथा अ मध्ये पुढील चार लेखन प्रकारापैकी कोणते आहेत, दोन लेखनक प्रकारावर दोन कृती दिल्या जातील। यानी चौथा जो सवाल होता है उसमें चार लेखन उपयोजित लेखन के चार प्रकार होते हैं, जिसमें से दो दो दिए जाते हैं, आपको करना है। पहला है गद्य आकलन, जाहिरात लेखन, बातमी लेखन और कथा लेखन। हमने इसमें से गद्य आकलन कर लिया है, बातमी लेखन किया है और कथा लेखन किया है, आज जाहिरात लेखन करेंगे। दिलेल्या दोन कृतीपैकी एक सोडवणे आवश्यक आहे। प्रस्तुत प्रकरणात जाहिरात लेखन या लेखन प्रकारा संबंधित मार्गदर्शन दिले आहे। अब क्या मार्गदर्शन हमने दिया है, चले आगे देखते हैं। जाहिरातीचे प्रश्न कृतीयुक्त स्वरूपात दिला जाईल, यानी ये सरगर्मी के जैसा दिया जाएगा, जो इश्तिहार का जो सवाल रहेगा वो सरगर्मी जैसा दिया जाएगा। त्यासाठी प्रसंग, चित्र, बातमी, शैक्षणिक विषय यापैकी कोणत्याही स्वरूपात विषय दिला जाईल, यानी उसमें कोई वाकया, कोई तस्वीर, कोई खबर या कोई तालीमी मसला बयान किया जाएगा। जाहिरात लिहिताना दिलेल्या कृतीतील सर्व मुद्द्यावर विचार करावा, यानी जब आप इश्तिहार बनाएंगे तो दिए गए सरगर्मी के तमाम चीज़ों पर आपने तवज्जो करनी है। चित्र किंवा सजावट अनिवार्य नहीं, शब्द रूप महत्वाचार है, यानी तस्वीर जरूरी नहीं है, आपने अल्फाज सही दुरुस्त लिखने हैं। कृतिपत्रिकेत पुढीलपैकी कोणत्याही प्रकारची कृती दिली जाईल, यानी जो सरगर्मी नामा होता है, जो कृति पत्रिका होती है, उसमें से कोई भी ये चारों में से कोई एक कृति दी जाती है। शब्दावरून जाहिरात लेखन, यानी अल्फाज से जाहिरात लेखन करना है। जाहिरात देऊन त्यावरील कृति सोडवणे, या तो फिर जाहिरात देते हैं उसके ऊपर आपने कृति बनाना है। विषय देऊन जाहिरात लेखन, यानी कोई मौजू दिया जाता है, मजमून दिया जाता है, उसके ऊपर इश्तिहार बनाना है। दिलेला जाहिरातीचे अधिक आकर्षक पद्धतीने पुनर्लेखन, कोई जाहिरात दी हुई है, इश्तिहार दिया है और उसे और आकर्षक और दिलफरेब बनाना है, वो तरीक़ा है। या फिर कलात्मक सृजनशील रीति ने तैयार के लिए अन्य कोणत्याही कृति आधारित जाहिरात लेखन, या फिर आपके पास कोई और नज़रिया है या कोई और कला है, फ़न है, आप उसका मुजाहरा कर सकते हैं। शब्द मर्यादा 50 से 60, यानी 50 से 60 इसकी शब्द मर्यादा है। महत्वाचार मुद्दे, जाहिराती माध्यम, यानी कहाँ कहाँ से आप जाहिरात बना सकते हैं, कौन कौन कहाँ कहाँ आपको इश्तिहार दिखाया जाता है, एक तो इंटरनेट पे, दूसरा चित्रपट यानी फिल्म में, तीसरा वृत्तपत्र यानी अखबार में या मासिक या माहनामा में, आकाशवाणी यानी रेडियो पर, दूरदर्शन, टीवी पर, चौका मदिल फलक यानी चौक पर लगाया गया जो बड़ा इश्तिहार होता है, गर्दीचा ठिकानी वाटली जाने पत्रिके, या फिर जो भीड़ भाड़ वाले इलाके में बांटे जाने वाले जो पत्रके होती है, लिफा पॉम्फलेट होते हैं, उसमें जाहिरात लिहताना घ्यायची काळजी, यानी इश्तिहार बनाते वक्त कौन सी चीज़ों को तवज्जो करना चाहिए। जाहिरात तैयार करताना मथड़ा उपमथड़ा तैयार करावा, यानी ऊपर का और उसके बाद जैली जो उसका हिस्सा होता है, पेशानी का हिस्सा जैसा चेहरे का होता है, वैसे ही मथड़ा उपमथड़ा, यानी ऊपर का नीचे का हिस्सा। त्यासाठी सुभाषिते सुवचने सुप्रसिद्ध कवितेतील व गाण्यातील ओडी काव्यमयतेचा अभ्यास आभास निर्माण करणाऱ्या ओडी लोकामधील विशेष लोकप्रिय असलेले शब्दप्रयोग इत्यादींचा उपयोग करता येतो। यानी जब आप बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, उसमें आप अल्फाज का तायुन, मुहावरे, कहावते, गाने, अल्फाज, मिसरे, अशार, इनका सही तरीके से अच्छा अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। जाहिरात नेहमी कमीत कमी शब्दात असावी, यानी जो इश्तिहार रहेगा कम से कम अल्फाज में हो। जाहिरातीची भाषा साधी सोपी पण वेधक असावी, यानी इश्तिहार की जो जबान है वो साधी सीधी और बेहतर होनी चाहिए। व्यवहारातील भाषा वापरली तरी चालेल, यानी जो आपके व्यवहार की भाषा है, बोलचाल की, वो भी इस्तेमाल करे तो चलेगा। भाषा क्लिष्ट किचकट बुद्धिला तान द्यायला लावणारी नसावी, यानी ऐसे अल्फाज नहीं होना जो दकीक किस्म के अल्फाज हो, क्लिष्ट किचकट और बुद्धिला तान लावनारे।
समाजातील प्रचलित संकेत स्वलोक भावना यांना धक्का देणारी भाषा नसावी, यानी जो समाज में अल्फाज इस्तेमाल की जाती है किसी को दुख पहुँचे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना। काव्याचा आभास निर्माण करणारी लयबद्ध शब्द रचना जाहिरात आकर्षक बनवते, यानी जिसमें नज़में गज़लें अशार गाने इस्तेमाल किए जाते हैं वो इश्तहार अच्छा बनता है। विनोदाची प्रकरण करता आलियास उत्तम, यानी इसमें अगर आप मजाक का पहलू बयान कर सकते हैं उसे उसमें विनोद कर सकते हैं कॉमेडी कर सकते हैं तो वो बहुत ही बेहतर हो सकती है। प्रश्न चौथा आ है विषयवरुण जाहिरात लेखन, पुस्तक भंडार या विषयवर जाहिरात तैयार करा। अब ये विशेष सूचना इसमें कि जाहिरात लेखनात चित्र काटने किंवा चित्रासार की सजावट करने परीक्षित अपेक्षित नहीं, साध्या चौकटीमध्ये योग्य ओढीत लिहिलेल्या मजकुराची मांडणी पुरेशी असते। चलिए इसका उत्तर है आदर्श पुस्तक भांडार सर्व प्रकारच्या पुस्तकाची हक्काचे ठिकाण। ये ऊपर देखिए बड़ा मथड़ा है और उसके नीचे का उपमथड़ा है, आदर्श पुस्तक भांडार मथड़ा, यानी ये आपकी पेशानी है ऊपर का हिस्सा, सर्व प्रकारच्या पुस्तकाची साठी हक्काचे ठिकाण। अब ये ठळक जबान में दिए गए शालेय पुस्तके, स्पर्धा परीक्षा पुस्तके, माहितीपर पुस्तके और गोष्ठीची पुस्तके, ये चार नुकात को हमने यहाँ पर स्टार दिया है और उसके जरिए बनाया है। 20% सूट, ये दो तरफ बाजू में हमने दो जगह इसे डिज़ाइन करके बनाया है और इसका मेन जो मकसद है वो बीच में दिया गया है। पुस्तकांशी दोस्ती कराची आए मग वाट कसली वक्ताय त्वरा करा, पत्ता आदर्श पुस्तक भांडार जुई नगर नवी मुंबई, वेळ सकाळी 10 ते रात्री 8 वाजेपर्यंत। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा